Council, talking about the changing levels of success. और थैंक यू एवरीवन फॉर वेटिंग. बाहर बहुत ट्रैफिक जाम था, वेरी बिजी, दिमाग भी बिजी, लेकिन अब हम आ गए. होपफुली वी स्टिल हैव द एनर्जी टू हैव दिस कन्वर्सेशन. यस, आई एम रियली सॉरी, लेट्स जस्ट अपोलोजाइज. सो आई एम सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बट मैं शूट से आ रही थी, हम सब एक साथ आ रहे थे. आई एम रियली रियली सॉरी. और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मैसेजेस हैं. और आज क्योंकि वेमेंस डे के हवाले से ये इवेंट है, तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि बाकी बहुत से ऐसे ड्रामे हैं दैट हैव स्पेशल मैसेजेस फॉर वुमेन. सो मे बी वी टॉक अबाउट दैट. एंड ऑल्सो आई थिंक असाइड फ्रॉम एन एक्ट्रेस, पीपल कनेक्ट विद हिमा एज अ पर्सन. शायद ये रोल जैसे करती हैं, यहाँ पे इनकी पर्सनल लाइफ की ग्लिम्सेस ऐसी मिलती हैं कि वी फील दैट वी कैन रिलेट टू हर. बट इज शी अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस ऑल्सो एनकाउंटरिंग चेंजिंग लेवल्स ऑफ सक्सेस? और क्या उन्हें लगता है कि औरतों के हवाले से सक्सेस की परसेप्शन चेंज हो रही? वी टॉक अबाउट दिस इन मोर. I would like to start that. Yes, you did give a wonderful introduction. Thank you for that. Lekin, to just add on, I started from this stage. I know. So you started right here. I still, I'm shivering. Because I remember that Neera Penna was on the stage. And now when I'm talking to you here, I want to tell you, when did you want to interview? Where did you come from? आप फिर भी शुरू करती हैं. पहले दिन मतलब वो ऐसे होता है, मुझे समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है. किसी भी सीन में जाने से पहले मुझे अभी भी बहुत डर लगता है. अच्छा, बट आई थिंक दैट होना चाहिए. वो अच्छा डर, अच्छा है मेरे ख्याल से. जब तक डर है तब तक वो एक्साइटमेंट है, तब तक वो एनर्जी है. एक तो अगर आप ऐसे ही वॉकिंग करते हैं तो फिर शायद स्क्रीन पर भी वो नजर आए. हो सकता है. आपके साथ अभी तक नहीं हुआ, आई होप इट नेवर हैपेंस. बट अ लॉट ऑफ योर रोल्स are strong roles in terms of messages जो औरतों के लिए दिए जाते हैं, right? So क्या ये deliberate है कि खुद ब खुद आपके पास ऐसे अच्छे अच्छे roles आते हैं जिनसे आप inspire करती हैं और औरतों को? Okay. See, what I think is कि it's somehow a responsibility. Somehow. मैं ये नहीं कहूँगी completely, लेकिन हाँ responsibility है कि जब आप कोई भी रोल करते हैं, आप लोग देखते हैं टीवी पे, स्क्रीन पे देखते हैं, तो सब माँ आपके ऊपर आ जाता है कि आपने क्या रोल्स करने हैं, क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं. और अगर इफ इट कनेक्ट्स मी, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये रोल मैं करना चाहती हूँ, ये चीज मैं देखना चाहूंगी या ये बात मैं करना चाहूंगी, तो मुझे लगता है कि व्हाई नॉट, आई गो फॉर इट. आई एम पिकी अबाउट माय सक्सेस. व्हाट्स द रोल दैट यू मोस्ट प्राउड ऑफ मैसेज वाइज? आई थिंक इट वॉज मेरे हमनशीन, एंड the other one was cookie. Pehchan. It was named cookie initially. Achha. But it was Pehchan. Aur jis tarike se wo aage gaya, to mujhe I was a little disappointed kyunki wo bahut drag ho gaya tha. But other than that, the topic was amazing. Aur mujhe lagta hai ki uske upar aur baat honi chahiye thi, usko aur zyada highlight karna chahiye tha. But yes. हाँ, ये ड्रैग वाली परेशानी तो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी. जब तक पाकिस्तानी ड्रामे होंगे थोड़ी थोड़ी ड्रैग होंगे. आई होप थिंग्स चेंज, बट फिलहाल तो नहीं लगता. बट हाँ, एक और पहचान और मेरे हमेशा दोनों साइड बाय साइड भी चले थे, तो वो बहुत एक रिमार्केबल बात थी कि एक तरफ आप एक मैरिड औरत विद चिल्ड्रन थी, और दूसरी तरफ यू वर दिस गर्ल फ्रॉम अ पख्तून बैकग्राउंड जो अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रही थी. तो आई थिंक इट केम एट द राइट टाइम. इट शोड हैव वर्सटाइल यू आर, और यू वर एक हफ्ते में दो डिफरेंट रोल्स. आई थिंक इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी, यस, बिकॉज़ इवन इन पहचान there were two characters. दो characters थे, एक साथ एक था 80 years old, yes, past or present था. तो वो साथ में करना, plus इधर मेरे हमनशीन as a director Ali Faizan, he was very strict and very firm about what he wanted from the character. अच्छा. तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें बहुत interesting सी चीज़ थी मुझे ये करने के लिए, and I was blessed in a way कि I like you know I got that opportunity. A lot of directors tell me, no, not directors, producers. वो मुझे कहते हैं कि युवा को कास्ट करने का एक बहुत बड़ा कास्ट पॉइंट ये है कि पीपल लव हर. व्हाट्स द सीक्रेट अबाउट?
आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिल से करूँ. मैं ऐसे समय खुद लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आप जो आपकी एनर्जी होती है यू रिफ्लेक्ट. मुझे इसमें एक और बात की मुझे लगता है कि आपने ड्रामा रोल्स ऐसे चूज किए हैं और आपकी बस्तन लाइफ के लिए जो थोड़ी बहुत हमें ग्लिम्सेस मिलती है उससे ऐसे लगता है कि एवरी वुमन एंड मैन इवन एवरी पाकिस्तानी कैन रिलेट टू यू इन सम वे. वी फील दैट वी कैन कनेक्ट विद द वैल्यूज दैट यू प्रोजेक्ट. हो सकता है लोग आपके पास आके कहते हैं ओ आप बिल्कुल मेरी उस कजन के जैसी है उस ओ टाइम्स लॉट ऑफ टाइम्स. बल्कि मुझे देखने आपको एक ये सामने प्यारी से आती है उतने प्यार से मुझे देखने जितने प्यार से मेरी अम्मा मुझे देख रही है. ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि जब मैं जाती हूँ कहीं बाहर और इतने प्यार से मुझे देखते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, मेरा कैसे दिल नहीं चाहेगा कि वो प्यार मैं उनको वापस दूँ. और सबसे ज्यादा कौन से रोल से आपको याद करते हैं इस वक्त? ओ खजिस्ता, यस, नगीन विच वॉज इन दीवानगी. ओ हाँ, देन भोली मानो, यस, दैट वाज माय फर्स्ट रोल. अच्छा, यानी अपने पहले के भी लोगों को याद. बल्कि मुझे याद है कि लोग हमारी शादी के बाद कॉमेंट कर रहे थे कि मैंने तो भोली मानो में देखते ही बता दिया था कि इनकी शादी हो गई. आपको पता नहीं था उससे पहले ऑडियंस को Is it difficult? This is the most difficult question I'll ask you. What's it difficult balancing marriage with career? See, that's exactly what your topic is. When I read the topic, पहले तो मुझे टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ. मैंने सोचा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, कि मेजर्स किस तरीके से चेंज हुए हैं और सक्सेस. तो what is that mean? पहले इस सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मुझे ताकि मैं आपके इस सवाल दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ. अच्छा, पहले जो मैंने समझा इस टॉपिक से मैंने ये समझा कि एक जमाने में, इतने पहले की बात नहीं है, 20-25 साल पहले की बात है, कि हमारे लिए कितनी औरतों का सक्सेस सिर्फ इस लेवल तक महदूद था कि वो कितनी अच्छी होम मेकर्स हैं, कितनी अच्छी माएँ हैं. और बिल्कुल वो एक बहुत जरूरी हिस्सा है अभी भी हर पेरेंट्स की लाइफ में, मतलब फादर और मदर. बट नाउ वुमेन कैन ऑल्सो बी looked at from other perspectives, you know. They can be career women and mothers, or maybe they don't get married and they just pursue their careers. So, ab aurat ko dusri tarah se bhi log successful perceive karne lage hain jo pehle nahi samajhte. Ye maine samjha hai. Aapne kya samjha hai? अच्छा, मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि आपकी अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं. आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं. पहले ये था कि अगर हाँ एक घर चला रही है एक खातून तो बहुत अच्छी औरत है, या एक लड़की जो कि अपना बिजनेस अच्छा रन कर रही है वो एक बहुत अच्छी लड़की है. बट देन हम देखते हैं कि अब इट्स डिफरेंट. बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट डिफरेंट इवन नाउ. इट्स जस्ट दिस कि हमारी जो सोसाइटी है वो डिप्लोमैट बड़ा अच्छा हो गई है, बड़े अच्छे तरीके से उसको कवर अप कर लेती है कि हाँ वी आर वेरी हैप्पी कि यू कैन चूज व्हाट एवर यू वांट टू डू. असल में वो यही चाहते हैं. असल में इट्स ऑलवेज द सेम. आप कभी भी एक, मुझे नहीं लगता कि मतलब आपकी हर चीज पे बात हो रही होती है. अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इफ आई एम एन एक्टर एंड आई एम सक्सेसफुल एक्टर, आप यहाँ पे बैठी हैं और आप एक अच्छी एंकर हैं, आप अच्छी इंटरव्यू करती हैं, आप बड़ी यू आर वेरी सक्सेसफुल, मे बी यूर अ टीचर, आप घर का काम करती हैं, आप कुछ भी करती हैं. बट देन अगेन कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि ये एक उसी सांचे में, उसी फ्रेम में रहे जिस फ्रेम में हम इसको देखना चाहते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं, राइट? तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे डिप्लोमैट्स तो हो गए कि हाँ नहीं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, इट्स सो नाइस. बट समहाउ आप अभी भी उसी तरीके से, यहाँ आपकी जो सोसाइटी है वो सक्सेस को उसी तरीके से ही मेजर करती है. इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ यू डू इट. मतलब अगर हम आज भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसको बड़ा छुप के बात करते हैं, हम उसको खुले आम बात नहीं करते. वी डोंट से इट आउट लाउड. लेकिन सोच रहे सब यही होते हैं, सोच रहे सब यही होते हैं, लेकिन है ना जनरली. तो फिर इसका क्या किया जाए? आई थिंक इसका ये करना चाहिए कि आपको अपने आप में खुद, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस है. एंड देयर फॉर एवरी वन आउट देयर जो कि सुन रहा है, जो देख रहा है, जो मुझे देखता है टीवी के ऊपर, उसे लगता है कि अच्छा सही है ये, शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग हर वर्क, और इसको क्या प्रॉब्लम है.
लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी वो प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको हो सकती है, राइट? बिकॉज हम सब एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि औरतें और मर्द हम इक्वालिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम सब इंसान हैं एट बेस, राइट? तो आप और मैं भी इंसान है, हम सबको उसी चीज से गुजरना पड़ता है. अगर मैं बाहर जाती हूँ और मैं काम करती हूँ तो शायद यू नो आई स्ट्रगल फॉर माई जॉब एवरी डे. इट्स नॉट दैट कि अच्छा इट्स इन अ प्लेट और मैंने आराम से मैं जाती हूँ और वो सब मेरे सामने सजा हुआ है मैं उसके लिए करती रहती हूँ. नहीं, आई स्ट्रगल, आई वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे, बी एट माई होम, बी एट बाहर. यस, आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे इन लॉज हैं, वो सो सपोर्टिव, ठीक है. और मुझे मतलब उस तरीके से जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि आप लेकर चलती हैं, तो मतलब सी कि हम एक छोटी सी बात है कि अभी भी अगर मैं कभी कहती हूँ कि मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ तो अराउंड पीपल लाइक प्रॉब्लम नहीं होती. They give me a side eye. That's exactly what society is. They want you. Yes. They want you to give that कि नहीं बताओ. और वो assume करते हैं कि problem तो होती ही है, है ना? होती होगी भाई. मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरी अम्मा पापा के साथ होती है, मेरे बहन भाइयों के साथ होती है, सबके साथ होती है, हर घर में किसी के साथ होती है. तो मतलब होती ही होगी, इसके अंदर क्या बात है. बट आप उस चीज को नहीं, सास तो सास होती है, फिर बता दो शोहर तो यूं करता होगा, बताओ. अरे भाई नहीं करता, करता भी तो पुत्र की बताओ. सही बात है. आपकी अपनी चीज है, आपका अपना, मुझे लगता है आपको खुद आप कितने स्ट्रांग है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस सबसे ज्यादा कि आप क्या इंस्पिरेशन देते हैं. अच्छा, और इसमें मैं ऐड करूंगी, शायद हर एक मर्द या औरत अपनी फैमिली डायनामिक समझता है, तो आप अपने शेड्यूल को, अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंग टू द वे योर फैमिली इज कंफर्टेबल लेके जाएंगे. दुनिया को तो आप नहीं देखेंगे ना कि वो समझ रहे हैं कि आप सुबह उठ के झाड़ू पोछा खाना सब करेंगे. यस, यू विल फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आप अपनी फैमिली डायनामिक्स के अकॉर्डिंग भी अपने करियर को भी फिट करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को. तो आप ये करते हैं, आई ट्राई टू डू दैट. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरीके से कर सकूं, और मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है ना. मुझे बल्कि लगता है कि ये ज्यादा अच्छी चीज है, इसे चेरी ऑन टॉप, कि अगर ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ या थोड़ा बहुत मैं उस जगह पे एडजस्ट कर सकती हूँ और उनके हिसाब से चल सकती हूँ. अच्छा, अभी तो एक नया ऑब्स्टेकल नहीं आया. जब बच्चे हो जाते हैं ना तो एक्ट्रेस से पूछा जाता है कि बच्चे कहाँ आए तुम्हारे. अच्छा, मेट के पास है. जजमेंट आप सही कह रही है कि हम डिप्लोमैट हो गए हैं, लेकिन तमाम वर्किंग वुमन के साथ होती है. बिकॉज शी इज अ सक्सेसफुल वर्किंग वुमन, पीपल अज्यूम दैट द होम इज बीइंग नेग्लेक्टेड. लेकिन क्या ये एक्ट्रेस के साथ ज्यादा एसोसिएट होती है, क्योंकि ये करियर शोबिज से रिलेटेड है, ज्यादा आंखों में आता है, ज्यादा सबको नजर आता है, आपका सक्सेस फौरन सबको पता चल जाता है. I just got distracted. So yes, it's somehow you can say that. But मुझे लगता है कि ज़्यादा बातें भी हमारी ही इसीलिए ज़्यादा नज़र आती हैं क्योंकि हम सामने हैं. हाँ, इसका plus, इसका advantage भी है, disadvantage भी है. तो मतलब you know, if I'll say कि जैसे अगर मेरे किसी दोस्त हैं जो कि अगर मतलब नेशनल में काम करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो उनके साथ एग्जैक्टली इसी तरीके का प्रॉब्लम आता है. बट कहीं ना कहीं होता है कि आप इतना लीव नहीं ले सकते, इतना लीव ले सकते हैं. बट इन माई प्रोफेशन ये मेरी मर्जी है कि मैं कितना लीव लेना चाहती हूँ. सो इट इज यू हैव, आई थिंक इट्स इक्वल इन एवरी प्रोफेशन. वो अपने अंदर की क्लास. मैं तो मैसेज की जजिंग की बात कर रही हूँ, एक्टिंग करियर से एसोसिएटेड लोग क्या ज्यादा जज किए जाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन ही ऐसा है जो आंखों में ज्यादातर लोगों की परसेप्शन होती है एक्टर्स के बारे में. आई थिंक जो ऑडियंस है वो ओन ज्यादा करती है. हाँ, तो उन्हें लगता है कि हमारे घर में आते हैं, ये रोज आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो वो आपको इतना ज्यादा ओन करते हैं. आप इतनी अपनाइए तो कि वो आपके ऊपर बात कर लेते हैं. एक दूसरा ये कि यस, आप दे फ्री, जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं कि कीबोर्ड माफिया होता है कि वो कभी भी कुछ भी लिख देता है, उसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है, तो उसकी मर्जी है वो लिख देता है. देन दे थिंक दैट इफ यू आर एन एक्टर, यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसका तो राइट है कि आपको कुछ भी बोलते. आपको लगता है क्या राइट है?
आई थिंक उतना जितना अगर मैं उतना जितना नजर आ रहा है यस दे कैन कॉमेंट ऑन माई वर्क दे कैन कॉमेंट ऑन समथिंग विच इज ऑन स्क्रीन बट यस नॉट पर्सनली ऑन मी जब तक वो मुझे नहीं जानते या तो अगर मैं वो चीज दिखा रही हूँ चीज नजर आ रही है आप उससे पर बात करें आप उससे कॉमेंट करें नजर नहीं आ रही देन आई थिंक इट्स नो पॉइंट Do you pay attention to the keyboard mafia? पढ़ते हैं आप comments? Not really. कभी कोई अच्छी चीज होती है तो मैं पढ़ लेती हूँ कभी कोई बुरी चीज होती है तो भी मैं पढ़ लेती हूँ मुझे दोनों चीजें अगर अच्छाई होती है मुझे खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है कोई बुराई होती है तो वो मुझे एक तरीके से लगता है कि अच्छा सही है ये मुझे थोड़ा और मोटिवेट करती है अच्छा काम करने के लिए ये तो काम से रिलेटेड है पर्सनल कॉमेंट्स ही तो होते हैं मैं वो नहीं पढ़ती मुझे लगता है बेचारा दे नीड हेल्प अच्छी बात है मतलब उस चीज को ओवरलुक करना बेहतर है क्योंकि वाकई फेसलेस ट्रोल्स होते हैं जो उसमें आपकी मेंटल स्टेट को खराब करते हैं वैसे हिमा मैंने आपका शेड्यूल देखा है अभी कुछ दिनों पहले आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा आजकल तो एटलीस्ट नहीं है कोई शेड्यूल चल रहा है अभी भी सुबह से रात तक मेरा ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है मैं आप जिस वक्त सब चीजें साथ लेकर चल रहे थे तो ऐसा होता है और मुझे लगता है कि इसीलिए औरतें जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो सब एक साथ लेकर चल सकती हैं दे हैव दिस पावर ऑफ टेकिंग देयर होम और बाहर की चीजें सब कुछ एक साथ लेकर चल रही है मल्टीटास्कर्स होती हैं और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं अच्छा बिहाइंड एवरी मैन देयर्स अ वुमन बिहाइंड एवरी वुमन देयर्स अ मैन यस व्हाई नॉट एंड हु इज द मैन बिहाइंड यू इट्स माय फादर माय हस्बैंड माय ब्रदर Yes. All the different men. Yes. Yes. Actually, do you think for a working woman to operate happily rather than her to operate apologize करती है? Family की support बहुत जरूरी है. बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. मैंने जैसे बात वो कही आपसे कि आप जितना कहें कि हम independent हैं हम अपनी बात करते हैं सोसाइटी चेंज हो गई है सक्सेस का लेवल चेंज हो गया है बट ऐसा नहीं है आपको सपोर्ट की जरूरत है अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी आप उस तरीके से नहीं चल सकेंगे क्यों कर रही हो नहीं मेरे अब्बा ठीक है मेरे अब्बा मेरी अम्मा तो इस वक्त ये था कि लोगों ने तो फिर भी कहना है हम यहाँ बैठे हुए हम लोग दो बात कर रहे हैं कोई भी कुछ भी कह सकता है तो मुझे इस चीज का नहीं है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू ट्रस्ट मी आई विल नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट एंड देन ही सेड ओके और उन्होंने बात की चलो सही जाओ काम करो आई स्टार्टेड वर्किंग माय मम वाज लाइक दिस उन्होंने भाई को बोला कि नहीं आई एम टेलिंग हर कि ये जो करना चाहती है इसको करने दो कोई कुछ नहीं बोलेगा इजी तो मेरे ऊपर ये ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अगर उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है और अगर यू नो वी लाइक यू सेड कि हम बिल्कुल वी आर ओपन फॉर द ऑडियंस कि कोई कुछ भी ऐसा कर सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी राइट तो अगर उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया है तो मेरे ऊपर ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं ट्रस्ट को ब्रेक ना करूँ ठीक है तो आई थिंक इट वॉज दे वर वेरी सपोर्टिव इनिशियली तो बहुत ज्यादा अब तो लाइक मतलब आई रिमेम्बर शुरू में जब भाई ने मुझे बात कर रहे थे और कभी ऐसे बात नहीं करना कि अच्छा हाँ ठीक है तू व्हाटएवर योर जॉब इज व्हेन ही सॉ माय फर्स्ट डे एंड देन मुझे पूछे थे अगले एपिसोड में क्या होगा आपको बता रहे भी नहीं नेवर ये सब बैठे हुए मेरे को कभी कुछ नहीं बताती मुझे रोजाना नहीं करती भाई मजा कैसे आएगा सस्पेंस है अच्छा लगेगा रिश्तेदारी का कोई फायदा तो नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे फायदे नहीं अभी भी मतलब कहते हैं कि तुम लोगों का ड्रामा नहीं आ रहा मैं क्या देखूं अभी तो ये देखते हैं अच्छा वो वाला शो लगा दो मुझे वापस वो वाला देखना एंड वी आर टायर्ड ऑफ वॉचिंग द सेम इंटरव्यूज लाइक हमें नहीं देखना कहते नहीं लगाओ बहुत मजे का तो सी दैट्स द सपोर्ट यू गेट दैट इज समथिंग दैट्स अ मोटिवेशन how you get motivation and I think that's how you even groom yourself and blossom yes when your family is supporting you they're watching your dramas they're encouraging you abhi unhone off liya hai wo wahan se apna ghar aaram se chhod ke aaye hain usse alag alag se mere saath aaye hain yahan baith ke mujhe sunne aaya ki pura din raat mujhe ghar pe sunte rehte hain talk around that's amazing I want to clap for her family I think both
जरूरी है कि आपकी फैमिली आपके साथ हो, वेदर यू आर मेल और फीमेल. ये बताएं, आरएस के ड्रामे आप देखती हैं? ये कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी. नहीं, I do watch his play. अब हम लोग एक दूसरे से पूछते कि ये वाला प्ले देखना है नहीं देखना, बट वी डू वॉच एक दूसरे का प्ले और हम लोग कॉमेंट भी करते हैं कि अगला सवाल. तो ये हम पूछ लेते हैं कि यदि कोई थोड़ा सा इसमें जगह थी, ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं या थोड़ा कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओपन एंड बैटर. अच्छा, नाराज नहीं होते? तुम भी नहीं, बहुत बुरी एक्टिंग इस सीन में, तुमने ऐसी एक्टिंग, नाराज नहीं होते? नहीं, इट्स अ प्रोफेशन एंड आई थिंक कि अगर हम घर के अंदर ही उस चीज को सही कर देंगे तो बाहर से कोई और सही करेगा उससे बेहतर है. एंड इससे ज्यादा ये तो आपकी 100% सपोर्ट ग्रुप है ना, ये तो चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, इनका तो फुली एक दिल से आएगा. दैट इज आल्सो सो इंपॉर्टेंट. अच्छा, दैट्स सो इंपॉर्टेंट कि एक शौहर ये चाहे कि उसकी बीवी सक्सेसफुल हो, ठीक है, और एक बीवी ये चाहे कि उसका शौहर सक्सेसफुल हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शौहर ये नहीं चाहते कि बीवी जो है वो ज्यादा ही सक्सेसफुल हो जाए, या बहुत सारी बीवियां नहीं चाहती कि ये ज्यादा ही सक्सेसफुल हो जाए. सो आई थिंक फॉर एन हेल्दी रिलेशनशिप इट्स सो इम्पोर्टेंट कि दोनों एक दूसरे का अच्छा भी चाहें और अपने रिलेशनशिप का भी अच्छा चाहें. अच्छा, अब अगला सवाल इसी से रिलेटेड था, आप उधर ही ले आई जहाँ मेरा अगला सवाल था. A lot of people say industry marriages don't work, and recent industry marriages don't work. Or recently, most industry marriages nahi work. Mashallah, you guys are together. May you always stay together. But what do you think? ऐसे होता है क्या, मुश्किल होता है दो actors का शादीशुदा होना? अच्छा, मुझे मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूँगी इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर भी जिनकी शादियाँ होती हैं, जिनकी डिवोर्स होती है, लेकिन नेचुरल लाइफ सेट के वो आप ऑन स्क्रीन है तो ज्यादा नजर आता है. नहीं ना, एक और बात भी है, ब्यूटी का रेशियो इज मोर. नहीं, रेशियो की बात नहीं है, एक्टर्स का लाइफ स्टाइल थोड़ा अनकन्वेंशनल होता है. लॉन्ग ट्रिप्स होती है, शूटिंग शेड्यूल लंबे लंबे होते हैं, कभी कभी महीने भर की शूट किसी और शहर में होती है. तो ये एक टिपिकल जॉब नहीं है जो आप 9 to 5 करके घर आ रही है, राइट? तो उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज्यादा शायद कभी कभी करनी पड़ती है. फिर ईगो गेम्स भी सुनाए होते हैं. लेकिन जब आपकी, मुझे ऐसे लगता है कि आप जब आप तैयार होते हैं कि आप एक बंदे के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो आप उस शख्स के लिए अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और आपको करना चाहिए. इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें आई थिंक इसमें ये तो बेसिक है, इसके ऊपर तो इसके आगे मतलब ये तो बेसिक बात है कि इसके आगे आप कोई और बात कर सकते हैं कि हाँ ये हमने कुछ एडजस्ट किया. ये तो बेसिक एडजस्टमेंट है कि आप अपने लिए एक दूसरे के लिए वो वक्त निकालते हैं, एक दूसरे बहुत जरूरी है कि आप बात करें, आपके बीच में ट्रस्ट हो, आपके आप एक दूसरे के लिए वक्त निकालें. मतलब सी बिकॉज एक्टिव सेट हमारे लॉन्ग आवर्स है, तो नाउ आई हैव माई स्पेसिफिक आवर्स दैट इतने आवर्स के लिए मैं काम करती हूँ और इतने आवर्स के लिए मैं काम नहीं करती. और संडे नहीं काम करती? संडे में कभी काम नहीं करती थी. अच्छा, संडे मैं कभी काम नहीं करती थी. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं संडे अपनी फैमिली के साथ ही गुजारूँ. इवन अभी भी कुछ बहुत कुछ होता है तो देन आई वर्क ऑन संडे. अगर मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो आई रिमेम्बर मेरे हमदर्शीन के लिए हम जा रहे थे और हम सवाब में थे फॉर 15 to 20 डेज प्रोबेबली. और जब हम आने लगे ट्रैवल से बस इतने से दिन, तो यस बिकॉज तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ थी तो यू कैट इट होम. क्योंकि मेरी अम्मा मेरे साथ थी, मैं बाहर निकलती थी, मैं कहती थी अच्छा ये मेरा नाश्ता बना लीजिएगा, अच्छा मैं वापस आ रही हूँ, आई यू शुड हैव फूड, आई शुड गो बैक, कहती थी चले चाय पियेंगे बीच बीच में गैप्स में, ठीक है. वेयर एज एवरी वन जो कि बगैर की फैमिली के था शुरू में तो बहुत खुश था, दे वर हैविंग अ बॉय, बट लेटर वो इतने चिढ़ गए थे कि वो कहते थे तुम लोगों का मूड ही देखने एक दूसरे को मार देंगे. जैसे कुछ मेरी फेलो एक्टर्स इनिशियली कहते थे तुम्हारे अम्मा अपना तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते जो साथ में आते हैं, अरे दे लव मी, they want to be with me and I love it. सारे आपके लिए नाश्ता बनाए, चाय बनाए, आप आराम से रहे. मतलब एक बात सी, वो मुझे ट्रस्ट करते हैं तभी मैं काम कर रही हूँ, मुझे ट्रस्ट करते हैं तभी मैं अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले रही हूँ. बट यस, वो मेरा ख्याल करते हैं इसलिए वो मेरे साथ है एंड आई अप्रिशिएट इट, आई थैंक देम
फॉर दैट कि वो अपनी सारी चीजें पीछे छोड़ के वो मेरे साथ इस तरीके से करते हैं. तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी ऐसा कुछ ट्रस्ट का कोई बात है. हमारे यहाँ ये वाली कई चीज होती है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को कॉल करे तो दे डोंट ट्रस्ट यू, देयर कॉलिंग यू टू कीप अ चेक, देयर नॉट कॉलिंग यू टू कीप अ चेक, देयर कॉलिंग मी टू जस्ट सी दैट इफ आई एम फाइन. And it's perfectly amazing. मुझे अच्छा लगेगा that the other person is caring. तो मुझे लगता है कि this society, so you cannot say. हाँ, और आपकी close knit family है, ये तो बहुत बड़ी blessing होती है. तो आप close knit family जहाँ अरे कि दूसरे किसी fast moving जिंदगी में अगर family एक दूसरे के लिए time निकाल रही है और travel साथ कर रही है, spend time कर रही है, तो I think nothing like it. But tell me, do you are you careful about how you dress in a public place? क्योंकि वो एक online shows ऐसे देती हूँ कि अगर आप कि हम बहुत इंस्पायर होते हैं बेस्ट से, तो अगर आप बेस्ट में भी देखें तो जब वो जहाँ जाती हैं तो यू ड्रेस अकॉर्डिंगली, इसमें कोई अलग बात नहीं. यू ड्रेस अकॉर्डिंगली, मतलब अगर आप कहेंगे कि आप कोई हॉलीवुड की एक्टर भी आएगी, अगर वो कहीं अफगानिस्तान या इधर कहीं जा रही है, वो अपने सर पे स्कार्फ लेकर और ऐसे नहीं जाएंगी, बिकॉज आप उसी तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं. तो यस, आई एम अ पब्लिक फिगर, आई विल ड्रेस लाइक इफ आई एम इन दैट स्पेसिफिक प्लेस, तो यस आई विल ट्राई टू ड्रेस अकॉर्डिंगली. हिबा मुझे तो लेकिन आप इंटरनेशनल अवार्ड्स पे भी यू आर ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ वे जिससे आवाम बहुत खुश होती है. नहीं, मैं बताऊँ आपका पर्सनल स्टाइल भी बहुत खुश होती हूँ. अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अलॉट ऑफ टाइम्स में डिजाइनिंग के साथ मेरा ओवरमेंट होता है, दिस इज टू देसी, यू नो यू नीड टू लुक अ लिटिल मॉडर्न, यू नीड टू गिव दैट अ लिटिल सॉर्ट ऑफ यू नो यू लुक सो मॉडर्न इन योर रियल लाइफ, व्हाई डोंट यू वेयर समथिंग लाइक दिस. एंड देन आई टेल देम, देखो आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान अब्रॉड, यहाँ पे मैं पहन सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लक्सर साड़ी में पहनी थी, ठीक है, वो तो मेरी अम्मा और सास ने दूसरी साड़ी सिलेक्ट की थी, तो आर एस साड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है ये थोड़ा तो. मैंने बाहर जाके क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई वॉन्टेड टू ड्रेस पाकिस्तानी, मैं उसको और मजीद मैंने बल्कि मैंने जो आपको देखा कि मैंने बिल्कुल शलवार कमीज सिलेक्ट किए हुए थे, तो उन्होंने कहा नहीं इतना नहीं करना, थोड़ा सा कम, खामोशी से सोई हुई आवाम है प्यार से, तो बहुत ये सब हमारी तरह ट्रैफिक जाम में घुस के आए हैं, सब फिर भी बोल रहे थे वाले लाइक पर्सनैलिटी. कभी आप शायद ये नहीं सोचती कि ओह दिस इज ट्रेंडिंग तो मैं ये ऑफ शोल्डर गाउन पहनूंगी बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग. So Hiba Bukhari has always dressed like Hiba Bukhari. This is her taste and this is what she'd follow. Aapko stylists lakh gowns lakh denge aur backless denge sab kuch, but because it's not you, you will do what you want to wear. You will wear what you want to wear. See, aaj ke daur mein na bahut aasan hai ki sab jaise chal rahe hain aap waise chalte rahe. Lekin apne roots se connect karke apni tarah ka rehna bahut mushkil hai. मन कैसे हुई, दिस इज ऑल्सो मच्योर, यू नो क्या इज जस्ट समबडी गाइड यू, दिस इज जस्ट योर पर्सनैलिटी. आई लव हर, शी इज अमेजिंग, बट यू लव हर मोर, सो इट्स जस्ट मुझे समझाने वाले लोग बहुत अच्छे, मेरे साथ बात करने वाले समझाने वाले लोग बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे गाइड करने वाले लोग बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हो या बुरे तरीके से, लेकिन मैं अल्लाह वैसे तो हमेशा वो बड़ा कहीं मुश्किल से भी आराम से निकाल देते थे. तो आई थिंक इट्स समथिंग वेरी ग्राउंडेड, आई थिंक क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें हाईज और लोज होते हैं. हाई होता है जो पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द आएगी, लेकिन क्योंकि
जिंदगी में ही हाइज एंड लोज होते हैं, तो एक्टिंग करने में तो स्पेशली एक ऐसा पॉइंट भी होता है जब आपका कोई ड्रामा नहीं आ रहा होता, उसकी बात नहीं हो रही थी, तो जब आप ग्राउंडेड होते हैं ना तो आपको इतनी फिक्र नहीं रहती। वो जो लोग कहते हैं ना कि एक्टर्स को मेंटल स्ट्रेस होता है, मुझे लगता है आपको नहीं होता होगा। यू वेरी ग्राउंडेड, यू आर ग्राउंडेड, आर यू? सी अल्हम्दुलिल्लाह, द थिंग इज दैट दिस इज नॉट सक्सेस फॉर मी एक्चुअली। अच्छा, व्हाट इज योर सक्सेस के बारे में टॉकिंग अबाउट? दिस इज नॉट सक्सेस फॉर मी, बट आई यूजुअली से दिस टू आवर्स, हमारी आपस में बात होती है, देखो वी सो ब्लेस्ड कि हमारी फैमिली हमारे साथ है, कि हमें बिल्कुल ग्राउंडेड रखती है, ठीक है, कि इधर आओ झाड़ू मारो, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता एक्टिंग से एसोसिएटेड, ड्रामा इतना हिट हुआ, अगला भी इतना ही हिट हुआ, दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज नॉट माय जॉब, लेकिन यह स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। कभी तो ऐसे सेट पे जाने के लिए होता है कि मैं सेट पे नहीं जाना चाहती, इन लोगों के मुंह नहीं देखना चाहती मैं, ये लोग की लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं, यू नो, बिकॉज द फील्ड इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल नेचुरली एंड एवरीवन हैज देयर ओन एनर्जी, ऑफ कोर्स। तो मैं मतलब यूजुअली जब मैं सेट से वापस आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो एनर्जी जो मैं उस लोकेशन की, उन लोगों की, मैं वो वहीं छोड़ के आऊँ, और फिर जब मैं वापस आऊँ तो मैं सिर्फ अपने घर में आऊँ, अपने लोगों में आऊँ, एंड आई शुडंट कैरी दैट नेगेटिविटी वापस घर पर। अच्छा, ठीक है, अभी आप कह रही थी कि आपके सक्सेस का आपका डेफिनेशन कुछ और, प्लीज डिफाइन सक्सेस। उनसे क्यों देख लिया, वो आपको नोट्स देंगे क्या? नहीं है, असल में वी आर हैविंग डिस्कशन। तो फॉर मी सक्सेस, see, for me, success is not what you're doing professionally, what you're about. Okay, people will think it's very easy for her to say this sitting here, okay, ye aise bole, because she's successful, she's a woman, she earns money, it's very successful, it's, matlab, she's successful, toh ye se ye bol rahe, but mujhe waqai aisa lagta hai, I truly feel it, ki success is not ki aapke paas kitne paise hain, aapka drama kitna hit ja raha hai, ya aap apne प्रोफेशन में कितनी हाई जगह पर है। सक्सेस वो है जब आप अपनी रूहानी तौर पर और आप अपने अंदर मुतमईन हैं, ठीक है, तो आपकी मोरालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मुझे ये वाकई इस चीज से मुझे नहीं है कि कोई कितना अमीर है या कोई कितना, वो बहुत अमीर हो सकता है, वो बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन वो बहुत अंदर से, हम आजकल एक सीरीज देख रहे हैं कॉल्ड हजरत यूसुफ के ऊपर, वो सीरीज है, तो मैं उस दिन यही बात कही थी, मैंने कहा हजरत यूसुफ का हुस्न जो था वो बेशक उनकी खूबसूरती एक जाहिरी खूबसूरती थी, बट ज्यादा खूबसूरती जिस खूबसूरती की बात है वो उनकी अंदर की खूबसूरती है जो वो लेकर चलते थे, और जिस तरीके से वो अपने खुदा से, अपने अल्लाह से प्यार करते थे, दैट्स व्हाट एक्चुअली द सक्सेस इज, कि व्हेन यू आर सैटिस्फाइड इनसाइड योरसेल्फ कि हाँ मेरी सारी चीजें सॉर्टेड हैं, मैं अगर कभी अभी मर जाऊँ और मैं अल्लाह के सामने जाऊँ तो आई एम सैटिस्फाइड। And that's very honest. That's very honest. I think I know a spiritual person who really dua karke har cheez karti hai, sara kuch hai. Oh, iske par ek bahut funny hai, aapne ko pata hoga. Mujhe yaad hai, main namaz padhke hai. Namaz padhti thi aur namaz padhne ke baad main phone pe na phook marti thi, jaise ki एवरीवन इज़ लाइक तुम फोन पे फोन क्यों मारते हो, मैंने कहा सबके फोन चोरी हो रहे, देखिए मेरा फोन चोरी है, कराची में रहते हुए ये हो सकता है, दिमाग में नहीं पड़ चोरी कभी नहीं, हम माशाल्लाह कहते हैं मेरा रास्ता है आपसे, मेरा पापा मुझे रोके कहते हैं, मैं माफी मांग रही हूं, खूब देर अभी खूब देर अभी दुआ नहीं किया ना मैंने। अच्छा, बात करिए दिस क्रिटिकल सक्सेस मैटर टू यू मोर और कमर्शियल सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस है रेटिंग्स, क्रिटिकल सक्सेस है वाओ व्हाट अमेजिंग एक्टिंग, लेकिन ड्रामा शायद इतना देखा नहीं गया, मुश्किल सवाल। अच्छा, दोनों दोनों आसान जवाब नहीं, मैं बताती हूँ क्योंकि
फॉर समवन लाइक मी जो अपने हार्ड वर्क से काम करता है, जो बगैर किसी किसी इंडस्ट्री में किसी किसी भी उसका हिस्सा नहीं है, किसी भी किस्म की चीज का कोई हिस्सा नहीं है, एंड देन मतलब सिर्फ अपने हार्ड वर्क के नेटवर्किंग sort of camps, या किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं करते, आप कहते हैं कि हाँ यार मैं सिर्फ काम करने आया हूँ और मैं काम करके वापस चला जाऊंगा, एंड हु डजंट हैव एनी लिंक्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप पे ही आता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सम हाउ रेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब रेटिंग आती है तो फिर प्रोड्यूसर कहते हैं कि हाँ इसकी वजह से मुझे रेटिंग मिल रही है ना मॉर्निंग, तो इसको ले लो कास्ट कर लो, वरना वो नहीं करेगा आपका कास्ट, वो उसको करेगा जो उसके घर में पड़ोस में रहता है। देखिए कि दोस्तियाँ इतनी जरूरी है जितना काम, लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में दोस्तियाँ बड़ा फायदा देती है, हाँ कुछ अगर देती होगी लेकिन अगर आपका काम अच्छा हो, मुझे लगता है किसी ये राइट, लेकिन वो एक प्लस है कि अगर दोस्तियाँ हैं तो वो एक प्लस है, इवन क्रिटिकली भी कि अगर आप बहुत सारे ऐसे, आपको भी पता होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे पास बैठते हैं इंटरनेट के ऊपर, एंड इफ योर फ्रेंड्स विद देम, आपने जैसा भी काम किया वो कहेंगे क्या काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर आप उनको नहीं पसंद पर्सनली तो वो कहेंगे कि ये क्या काम किया, हटाओ इसको, इसको हटाओ, ये कोई काम नहीं किया, बहुत है। सो यू नो आई थिंक आपके लिए कहीं ना कहीं मैटर करता है ये, और आप इफ यू वर्किंग हार्ड, और जब आपको ये होता है कि हाँ सिर्फ ऑडियंस के ही रिएक्शन से, ऑडियंस की वजह से ही यू विल बी समवेयर, तो आपके लिए वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, आई थिंक आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल है, आप बहुत सी इंडस्ट्री मिथ्स को आप निगेट करते हैं, एक इंडस्ट्री मैनेजर्स के वर्क माशाल्लाह, सेकेंडली यू नीड टू नेटवर्क ऑल द टाइम, बी एट एवरी पार्टी, बी ऑन इंस्टाग्राम, मेकिंग अ रील जस्ट इन ऑर्डर टू बी लव्ड, यू कैन बी लव्ड बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो आप तो एक अनोखी चीज है, आप एक गुड एग्जाम्पल, वी हैव बीन टोल्ड दैट वी हैव टू रैप अप, तो गिव अ मैसेज to girls who want to start acting careers, how can they stay grounded while pursuing a career that is so glamorous? I think I will not say just do what your heart says, because bahut baar dil ajeeb ajeeb cheeze bhi kehta karne ke liye, thoda bahut ye bhi dimag ki bhi sune dil ki bhi sune, आस पास जो आपको लगता है जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी भी सुने, और मुझे लगता है कि आप जिस वक्त सारी चीजों को साथ लेकर अपने चलेंगी तो एक अच्छा सक्सेस आपको किसी भी फील्ड में आपको आराम से मिल जाएगा, एंड रिमेम्बर योरसेल्फ कि आपको किसी और के हिसाब से जरूरत नहीं है, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच एवा, दिस वाज अ प्लेजर, टिल आवर नेक्स्ट इंटरव्यू, टिल आवर नेक्स्ट इंटरव्यू, इट इज अ मॉनिट्स यू, it's due totally, thank you so much.